दिस इज़ अ हिस्टोरिकल मंदिर, 12 शिवलिंग मंदिर, जो 12 शिवलिंग है उनमें से एक शिवलिंग यहाँ पे है। हिस्टोरिकल मंदिर, 12 शिवलिंग मंदिर, जो 12 शिवलिंग है उनमें से एक शिवलिंग यहाँ पे है। This is also a world sanctuary area. Wilder. This is a Kailash temple, एक पूरे स्टोन को काट के बनाया हुआ मंदिर, एलोरा केव। कैलाश मंदिर एक ही पत्थर को पूरा काट के बनाया हुआ। सबसे ऊपर जो आप कलश देख रहे हो, पहले कलश से स्टार्ट हुआ, मैंने इसको पूरे को कंस्ट्रक्ट किया गया। इट्स अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट विद अ हैमर एंड चेसल। वो दो इंस्ट्रूमेंट थे जिसके साथ इस सारे को बनाया गया एलोरा केव्स में। ब्यूटीफुल टेंपल, कैलाश टेंपल। एक ही जो चट्टान है उसको काट के कितने सालों तक काम किया होगा इस मंदिर को बनाने के लिए।
This is the beauty of this place. You are seeing this on rupees 20 note published by RBI, and just see the original one. पूरा रामायण बनाया गया है, जैसे सबसे पहले राम और लक्ष्मण माथा टेक के निकल रहे हैं। ये सारी रामायण को डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में दिखाया गया है। देखिए कितना बारीकी के साथ सारा कुछ, कितना सूक्ष्म वे से सभी चीज़ को दिखाया गया है। महाद्वार का लेफ्ट डोर देखो बंद है, राइट डोर यहाँ से बाहर निकलते जो सामने आप देख रहे हैं इसका नाम विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ ने देखे 23 लोग हैं, उधर से ध्वजा स्तंभ है, ध्वजा स्तंभ ने देखे 23 लोग हैं। This is Gufa number cave number 10 related to Buddha. Just listen the sound. It is famous for its music, echo of music. So, जैसे हमने देखा था कि थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ केव्स, थ्री कैटेगरीज। सम ऑफ द केव्स आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म, सम ऑफ द केव टू हिंदुइज्म, एंड दीज थ्री केव 32, 33 एंड 34 दीज आर रिलेटेड टू जैनिज्म। जैसे कैलाश मंदिर को देखा हमने, उसमें 10 जनरेशन्स के लोगों ने काम किया और 200 साल से ज़्यादा लगे थे उसको बनाने में। तो डिफरेंट डिफरेंट समय में डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन किया। एक पहाड़ है जिसको, बड़े पहाड़ को काट काट के मैन मेड ये सारी केव्स बनाई गई हैं। जितने भी स्कल्पचर बनाए गए हैं, महाभारत रामायण जो हमने कैलाश मंदिर में देखी थी, सो ये डिफरेंट ये चीज़ें ने जिन्हें
एज अ इंडियन सानू माण होना चाहिए। दसवीं ते ग्यारहवीं शताब्दी दे विच जो दिगंबर है जैनिज्म दे विच मेनली टू ब्रांचेस जां टू सेक्ट कहा जाता उन्होंने एक है दिगंबरा से सारी जिहड़ी केव है उन्होंने डेडिकेटेड है। दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी बनी हुई सो अज जे आपां इक्कीवीं शताब्दी की गल कर रहे हैं वी आर इन द 21st century सो अराउंड 10 centuries बैक 10 centuries मीनस 1000 साल पहला जो तो पहला बनिया हुई हैं। 1000 साल पहला किस तरह लोगों ने बनाइया किस तरह की कला सी किस तरह का आर्किटेक्चर सी ये सारिया चीज़ा देखने वाली ने समझ वाली ने। अज डिफरेंट डिफरेंट कोर्स चलते हैं आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट के लेकिन उस समय का जोड़ा इंडियन आर्किटेक्चर से आर्किटेक्ट से वो कि डिवेलप से। These three caves are dedicated to Mahavira, 32, 33 and 34. पूरे औरंगाबाद में और इवन इन अदर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र यू विल सी एलिफेंट स्पेशल प्लेस इज गिवन टू मकबरा औरंगजेब की वाइफ दिलरस बानो की याद के 1651 बनाया गया 17वीं सदी 1651 वाइफ ऑफ औरंगजेब दिलरस बानो। इहदा आर्किटेक्चर कुछ हद तक ताजमहल नाल मैच करदा वैसे इहनूं मिनी ताज कहा जाता बट है बहुत छोटा उस ताज के कंपैरिजन च। इट वॉज बिल्ट बाय औरंगजेब इन द मैमरी ऑफ औरंगजेब वाइफ दिलरस बानो और दूसरा नाम रुबीना भी लिया जाता। केव्स तो मेन वही है जनता रंगोरा तो वैसे ही औरंगाबाद में कुछ केव्स हैं जो बनाई है उन्होंने बीबी के मकबरा के साथ टूरिस्ट के लिए बना दी ना। किला नहीं देखे तुमने दौलताबाद का? नहीं दौलताबाद किला नहीं देखा उसमें टाइम लग गया ना दौलताबाद किला में ऊपर जाने के लिए टाइम हाँ तो 1-2 घंटे तो उसमें पैदल जाने को लग जाते हैं इसीलिए दौलताबाद किला नहीं देखा। ये तो ऑन द रूट पड़ा ना हमें अलोरा तो रास्ते में पता तो अलोरा को कवर कर लिया जनता जाना तो 1 घंटा जाने में 1.5 घंटा आने में 1.5-2 मिनट लगते हैं जाने में तो धूप हाँ अभी काफ़ी एरिया हिली एरिया है ना। हाँ काफ़ी एरिया में छोटा छोटा पहाड़ है ना हेरिटेज होटल इन औरंगाबाद और ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द होटल इज द एंट्रेंस ऑफ द होटल
औरंगाबाद इज अ फेमस सिटी इन महाराष्ट्र। शिवाजी महाराज, दिस इज एम्बेसडर अजंता। द नेम ऑफ द होटल इज एम्बेसडर अजंता। मॉर्निंग वॉक, अ लॉट ऑफ ग्रीनरी जस्ट आउटसाइड द होटल। दिस इज अ पूल साइड व्यू ऑफ दिस होटल। दिस इज अ व्यू ऑफ बीबी का मकबरा, राबिया दुरानी, दिलरस बानो जो औरंगजेब की वाइफ थी उसकी याद में बनाया हुआ स्ट्रक्चर इज मैचिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ ताजमहल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिनी ताज, छोटा ताज। बीबी का मकबरा इन औरंगाबाद।